राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आज सर्दियों की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ मैं, वो है बाजरे की खिचड़ी। बहुत ही बढ़िया लगती है विंटर्स में। तो देखिए, ये तो इतना, मतलब मेरे को तो इतनी अच्छी लगती है। वो मेरे ना कमर में दर्द है, प्रॉब्लम है, फिर भी मतलब एक बार सीजन में, मतलब जो विंटर सीजन आता है ना, तो कम से कम 2 या 3 बार तक बनी ही जाती है। और इतनी बढ़िया लगती है, एक बार बनाती हूँ तो एक गरम गरम उस टाइम भी खाती हूँ, या ठंडे भी खाती हूँ। सबको पसंद है, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, उसी के लिए स्पेशल मैं बना रही हूँ। तो देखिए, बाजरे को अच्छी तरह से साफ करके और फिर उसको मैंने हल्के से छीटे देती हूँ। मतलब जब छीटे ही देना, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना उसको, और फिर उसको कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए मैंने उसको ढके रख दिया, जिससे कि हमारा जो बाजरा है ना अच्छे से फूल जाए। फिर उसको हम करेंगे, वो जो होता है ना इमाम दस्ता, खलपत्ता, क्या बोलते हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आप उसको क्या बोलते हो। हमारे यहाँ तो इसको खल्लड़ बोलते हैं या इमाम दस्ता बोलते हैं। तो देखिए, इसमें मैं कूटूंगी इस खिचड़ी को, मतलब बाजरे को। वैसे तो बहुत से सारे लोग जो, अब देखो, बिना मेहनत के कोई चीज़ आपको मिल जाए ना और टेस्टी भी हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत से लोग खिचड़ी को हल्का सा मिक्सी में भी कर लेते हैं, पर उसमें वो मज़ा नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता। जो फ्लेवर आता है ना, जो हाथ से कूटते हैं, तो वो फ्लेवर खिचड़ी में उसमें नहीं। अब मैं भी कर भी सकती थी, लेकिन देखो मेरे कमर में इतनी प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसे मुड्ढे में बैठ के करती हूँ, तो कूटूंगी तो मैं इसी में। अगर सीजन में अगर मुझे खिचड़ी खानी है ना, तो कूट करके ही खाऊंगी। तो और जब इतनी बढ़िया सी रेसिपी बना रहे हैं, तो क्यों ना कि उसी तरह से बनाए जिस तरह से ही बनती है। तो इस तरह से ही बनाते हैं इसको। और इसका एक एक दाना जब तक पूरा वाइट नहीं हो जाता ना, तब तक इसको कूटते रहते हैं अच्छी तरह से। फिर इसको फटक करके जैसे बड़े से परात में इसके जो छिलके हैं ना, पूरे सेपरेट हो जाएंगे उसके। और फिर मैं इसको हल्का सा, उसके बाद फिर हम हल्का सा कर सकते हैं मिक्सी में, हल्का सा पल्स मोड पे, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार ही चलाना है, ताकि हल्का सा ही दरदरा हो जाए। तो देखिए, मैंने इसमें अच्छे से कूट लिया। कूटने में कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगा इसमें। और 1.5 घंटे में देखिए, अब दिखाऊंगी मैं आपको, इसके छिलके बिल्कुल अलग हो गए हैं। और मिक्सी में कहाँ छिलके निकलते हैं, मिक्सी में बिल्कुल भी छिलके नहीं निकलते हैं। पता, हाँ थोड़ा सा वो होता है ना, क्या कार्रवाई हो जाती है, बस कार्रवाई ही बोल सकते हो। हाँ, मैं खिचड़ी बनाई और अपने शौक पूरा कर लिया कि आपने विंटर्स में, जिसको नहीं हो पाता है, किसी घर में होता भी नहीं है कलर वगैरह, इमाम दस्ता नहीं होता है, तो ठीक है। लेकिन जो टेस्ट हम हाथ से कूटते हैं ना, वो टेस्ट उसमें नहीं आ पाता। तो मैंने सोचा चलो मेहनत करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, कितना सारा ये जो निकला है ना, सिर्फ ये वेस्ट है, यानी कि जो उसके छिलके होते हैं ना बाजरे के, वो हैं। देखिए, इतना सारा कहाँ और मिक्सी में निकलेगा। तो ये मैंने इतना सारा हम निकाला है हाथ से। और ये देखिए, बाजरा बिल्कुल दानेदार एकदम वाइट हो गया है। और इसकी बनाऊंगी मैं अब खिचड़ी। उसको हल्का सा, जो छोटा वाला जार होता है ना मिक्सी का, उसमें हल्का सा चला लूँगी, मतलब पल्स मोड पर एक बार ही चलाना है सिर्फ, हल्का सा। उससे इतनी बढ़िया हो जाएगी, थोड़ी दरदरी से हो जाएगी, फिर मैं इसको बनाऊंगी खिचड़ी। तो देखिए, मैंने रख दिया बड़ा शक्कर, उसमें डालूंगी सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी, बड़ा वाला, और उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो इसमें मैंने डाला है, देखो 2-3 चम्मच मैंने चावल लिए थे, गला दिए थे, वो भी उसी टाइम पे, करीब 1/2 घंटा पहले। और 4-5 चम्मच लिए मैंने मूँग की छिलके वाली दाल, वो भी गला दी थी, तो वो भी इसमें डाल देते हैं। तो खिचड़ी में दोनों चीज़ें मिक्स करके ही मैं खिचड़ी बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। इनका कॉम्बिनेशन है ना खिचड़ी का, बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब जब ये खिचड़ी बनना स्टार्ट होती है ना, जैसे ही बनने वाली होती, पूरे घर में खिचड़ी की खुशबू, इतनी प्यारी सी मीठी सी खुशबू आती है ना, वाओ, मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, दाल और चावल को। और भूनने के बाद कम से कम मैंने डाल दिया इसमें 1.5 लीटर पानी, इतना तो इसमें लगेगा ही। तो इसको कम से कम 1/2 घंटा मैं बनाऊंगी खुला। उसके बाद थोड़ा जब गाढ़ा हो जाएगा ना अच्छे से, फिर इसको मैं 2 सीटी लेने के बाद 5 मिनट के लिए सिम पे रख दूंगी, और हमारी बिल्कुल खिचड़ी बनकर के तैयार हो जाएगी। तो देखिए, मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाल दिया है नमक। उसके बाद हम इसको मैं अच्छा सा बॉयल ले लेंगे एक, और बॉयल लेने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने खिचड़ी कूटी थी ना, वो इसमें डालेंगे। तो अभी नहीं डालेंगे, इसमें अच्छे से उबाल आ जाए पानी में,
उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही बढ़िया बनती है खिचड़ी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से जो खिचड़ी बनती है ना, वो किस तरह से आप बनाते हैं। तो देखिए, खिचड़ी को हम धीरे धीरे डालेंगे इस तरह से, उसको बराबर चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा कम ही रखना है इस टाइम पे। और अभी इतनी भयंकर सर्दी हो रही है और इतनी ही भयंकर सर्दी में अगर ये खिचड़ा मिल जाए ना, वाह क्या कहने। इसी मौसम में जब ठंडी ठंड बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तभी खिचड़े खाने का मज़ा आता है, तभी ये ना खिचड़ी जिसका जो स्वाद है ना, तभी अच्छा लगता है। कम सर्दी में इतना मज़ा नहीं आता, बराबर सर्दी हो तभी बस एक खिचड़ी का आनंद जो आता है ना, तभी आता है। तो देखिए, मैं गर्मा गर्म तो हम खाते हैं रात को, सबको इसी तरह से पसंद है, घी और गुड़ से, खूब सारा घी हो और गुड़ से। और जब सेकेंड डे ठंडी बच जाती है, बच ही जाती है, इतनी सारी बनाते हैं, तो फिर या दही से या दूध से खाते हैं, बड़ी ही अच्छी लगती है। इसको चाहे गर्म खाओ चाहे ठंडी खाओ, बहुत ही टेस्टी, मतलब मेरी तो फेवरेट है विंटर्स में, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो आज थोड़ा सा कष्ट झेल करके, मतलब मेरी कमर में प्रॉब्लम थी, फिर भी मैंने आज ही बना ही डाली खिचड़ी। और मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी बताइएगा आप किस तरह से बनाते हो, या आपके यहाँ पर किस तरह से बनाते हैं खिचड़ी। और इसकी नमकीन खिचड़ी बनती है, कभी बना अगर हो सका तो, अगर मैं बनाई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, मैंने ये 2 सीटी ले ली हैं और 10 मिनट के बाद मैंने इसको, ठंडी हो गई ना हल्की सी, तो मैंने इसका ढक्कन खोला, उसको अच्छे से एक बार चला लेंगे और हमारी खिचड़ी बनकर के तैयार है। और सबसे पहले लगाएंगे हमारा कान्हा जी का भोग, और उनको भी बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी ना, बहुत ही अच्छी। आपको दिखाऊंगी मैं, इतना खुश हो जाएंगे खिचड़ी के देख के। और ये रखती है गुड़, और खिचड़ी में घी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना घी के खिचड़ी तो अधूरी है। बहुत ही टेस्टी, गर्मा गर्म घी इसके ऊपर डालेंगे हम, और लगाएंगे अब कान्हा जी को भोग। चलिए चलते हैं हमारे कान्हा जी के पास भोग लगाने के लिए। और ये देखिए, आपको दिखाऊंगी मैं उनको कितनी पसंद आई, ये देखो उनकी शक्ल देख लो आप, बस खुश हो गए बस खिचड़ी को देख के। और खिलाऊंगी थोड़ा सा गुड़, मीठा तो ज़रूरी है ही, और ये खिचड़ी ना गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी। इसकी खुशबू है ना, इसकी अलग ही आती है, जैसे ही बनने वाली होती है ना, पूरे घर में खुशबू। और ये है मॉर्निंग का, और आज है शर्तिला एकादशी, तो आज 11 है, तो 11 पे मैं खुद नहा करके सुबह सुबह मंदिर वंदिर की सफाई की, थोड़ा किचन में भी काम किया, उसके बाद कान्हा जी को भोग लगा करने के बाद उनको फिर मैं स्नान करा रही हूँ। तो देखिए, आज है एकादशी, तिल एकादशी बोलते हैं, षटतिला एकादशी बोलते हैं इसको। तो विशेष स्नान कराया, मतलब स्नान तो हम रोज ही कराते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई जब हम इस एकादशी पे तिल का विशेष महत्व होता है, तो जब भी नहलाएं, जैसे नहलाते हैं तो उसमें आसन देते हैं तिल का, जैसे पानी में आप जिस पानी से नहला रहे हो उस गंगा जल तो डालना ही है, उसके साथ साथ डालते हैं थोड़ा सा तिल, जिस भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो उसमें तिल का, हमें तिल डालना ज़रूरी होता है, मतलब हर चीज़ में तिल, जैसे खाना बना रहे हो तो हर चीज़ में हल्का हल्का थोड़ा सा तिल डालते हैं, जिससे कि खाने में तिल हुआ, नहाने में तिल हुआ, हर चीज़ में, आसन दिया है नहलाने में तो वहाँ पे भी तिल का सब यूज़ करना है, तो इस 11 पे तिल का ही यूज़ करना है, इसलिए इसे विशेष एकादशी मानते हैं। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को और हमारे शालिग्राम जी को दोनों को स्नान कराएँ, ये देखिए प्यारे प्यारे भाई, कितनी ठंड भी है, इसलिए मैं ज़्यादा बहुत लंबा नहीं कर रही हूँ, फटाफट नहला करी, क्योंकि ठंड लग जाएगी फिर उनको, जल्दी से नहला करके बस वस्त्र बना देती हूँ उनको। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और ठंड में गर्म पानी से ही नहलाएं और थोड़ा चेक कर लें फटाफट से। और वैसे भी मेरा ये जो कान्हा जी का रूम है ना, इसमें तो गर्माश रहती है, बहुत गर्म रहता है ये वाला रूम पूरा, क्योंकि बैक साइड से पूरी धूप आती है, साइड से भी बहुत गर्म, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंडी है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है कि भाई। और गर्मियों में तो मतलब एसी लगा हुआ है उनके रूम में, तो कोई दिक्कत नहीं आती है,
लेकिन अभी ठंड इतनी ज़्यादा टॉप पर चल रही है, तो अभी सालिग्राम जी को भी नहला देते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड में ना थोड़ा सा ध्यान कपड़े पहनाने का, जैसे मैंने अंदर इनर भी पहनाया है इनको, और विशेष तौर से पीली पोशाक, जैसे 11 से तो कोशिश करती हूँ पीली पोशाक, और शालिग्राम जी के पास तो नहीं है अभी बनाऊंगी मैं उनके लिए भी पीली पोशाक, जिसे मैं 11 से पर बना सकूँ। तो अब मैं कर रही हूँ उनको चंदन का तिलक, और ये हमारे कान्हा जी बैठ गए हैं पोशाक पहन करके, इनको भी तिलक लगा देते हैं। बहुत सुंदर लगती है इनके ऊपर जो है ना येलो कलर ड्रेस पोशाक है, जो बहुत ही प्यारे, और ये लगाएंगे इत्र को। और अब उनको बैठाती हूँ और थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं इनका, उनको श्रृंगार करना बहुत पसंद है। और जैसे ना वुलन ड्रेस है उनपे उनके ऊपर ज़्यादा श्रृंगार वगैरह तो होता नहीं, डेली में तो इतना नहीं करती हूँ, जैसे विशेष अकेजन है, जैसे कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं करूँ तो मैं शौक से भी करती हूँ कभी कभी। और आज 11 से तो आज तो करना ही है, देखो कितनी स्माइल कर रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और दिन में तो मैं देखो मैंने किया, जब मैंने भोग लगाया था ना मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, और भूल कितनी बार क्या होता है ना भोग उठाने के बाद भी मैं भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करना, और जैसे खाना बना रही तब तो मैं जल्दबाजी में मैं कर ही नहीं पाई थी, काफ़ी लेट हो गया था मतलब सारा रिकॉर्ड करने में। तो ये तो शाम का मैं जो भोग बना रही हूँ ना उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, देखिए आपके यहाँ मिलती है नहीं मिलती है, जैसे मैंने शादी से पहले मैंने ये वाली सब्ज़ी कभी भी नहीं खाई थी, लेकिन हमारे यहाँ वहाँ मेथी मिलती ही नहीं है, जैसे पत्तेदार मेथी आती है ना सर्दी में विंटर्स में वो तो हर जगह मिलती है, लेकिन ये वाली जो मेथी है ना पत्तेदार मेथी हमारे वहाँ भी बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, वहाँ खेती बाड़ी भी काफ़ी होती है, लेकिन इस तरह से है ना जो दाने वाली मेथी होती है हरी वाली, पीली वाली तो सब जगह मिलती है, दाने वाली मेथी है ना ये नहीं मिलती उधर, ये हमारे सिर्फ इधर मेवाड़ में ही मिलती है। और आपके यहाँ बनती है नहीं बनती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इधर बनती है, मार्केट में मिलती है, जैसे सब्ज़ी मंडी वगैरह होती है ना वहाँ मिलती है। तो मतलब विंटर्स में काफ़ी बार बन जाती है सीजन, ये थोड़ी पकने वाली होती है तभी बनती है, मतलब मार्केट वगैरह मिलती है, और इतनी टेस्टी लगती है और इतनी फ़ायदेमंद है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो देखिए इसको बना रही हूँ मैं सरसों के तेल में, और आज जो भोग लगाना है प्याज व्याज तो डालना नहीं है बिल्कुल भी, तो कद्दूकस कर ली मैंने टमाटर, और डायरेक्ट इसी में बनाऊँगी, इतनी टेस्टी लगती है सब्ज़ी, हींग जीरा और राई का तड़का लगा करके बस मैं टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर में डाल दूँगी सारे मसाले बेसिक से, वही नमक हल्दी धनिया और मिर्च, और मैंने हींग डाल दिया है, हींग डालने के बाद राई जीरा डाल दूँगी, उसके बाद डाल दूँगी टमाटर। तो देखिए टमाटर तो मैंने कद्दूकस कर लिए थे, ऐसी सब्ज़ी होती है ना मैं कद्दूकस करके या पीस करके डालो तो अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं मसाले डाल दूँगी सारे, तो मसाले थोड़े पक जाएंगे ना उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मलाई, मलाई से क्या बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेक्स्ट आता है, मतलब ये वाली जो सब्ज़ी है ना ये जैसे सब मेवाड़ में जो शादियाँ वादियाँ होती है ना वहाँ पर भी ये मिलती है, मतलब बनती है शादी में ये वाली सब्ज़ी, इतनी टेस्टी लगती है सब। और इस सब्ज़ी को कई तरह से बनाते हैं, अब जैसे जनरली मैं घर में डेली में रूटीन में बना रही हूँ तो ये सिंपल तरीके से, इसको थोड़ा और रिच करना चाहे तो ड्राई फ्रूट वगैरह मिला सकते हैं, कई तरह से बनती है, इसको पापड़ के साथ मिला करके फिर हम बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो देखिए इस मसाला भून गया है और उसमें डाल दी मैंने मलाई, मलाई को अच्छे से अब भून लूँगी, और उसके बाद में इसमें मेथी डाल, मेथी को मैंने 3-4 बार धो लिया है, इसको धोना पड़ता है काफ़ी, और ये देखिए इस तरह से होती है मेथी, बिल्कुल दाने दाने होते हैं इसके, और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है ये, बहुत ही मतलब हेल्दी के लिए बहुत ही अच्छी होती है,
और डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं ना उनके लिए तो मतलब वरदान ही है ये वाली सब्जी होती है। देखिए मलाई को भुनने में लगने का टाइम तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मेरी तैयार हैं और फटाफट बन जाएंगी, तब तक मैं आटा लगा करके तैयार कर लूँगी, क्योंकि टाइम हो गया भूख का और हस्बैंड भी जल्दी ही खाते हैं खाना शाम को, और हम लोग तो थोड़ा लेट ही खाते हैं, इतना जल्दी नहीं खाती हूँ मैं। और भगवान जी को भोग लगा करके पूजा करने के बाद जस्ट बाद में लगा देती हूँ उसके बाद, अगर वो कहते हैं तो मैं जल्दी उनके लिए बना देती हूँ, पर तैयारी तो थोड़ी कर ही देती हूँ, क्योंकि उस टाइम आटा भी लग जाता है, सब्ज़ी बन जाती है, वापस भोग लगाने के बाद जिसको खाना है वो खा लेते हैं। और शाम की पूजा करने के बाद मैं उससे पहले मैं सब्ज़ी की तैयारी कर देती हूँ और आटा उसके बाद लगाती हूँ, जैसे पूजा करी फटाफट से आटा लग जाता है। आज तो मैं तो फटाफट से तैयारी कर दी थी मैं, और उसके पापा को भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो साथ ही जल्दी कर लेते हैं, खाना खाएंगे तो बना देंगे वक्त ही, तो फिर बाद में वो ये देखिए मेरा मसाला है वो पक गया है, और ये देखिए इस तरह की सब्ज़ी बनती है मलाई डाल करके, और मलाई की कटोरी में ही थोड़ा सा पानी, एक कटोरी पानी मैंने डाल दिया है, उसमें 2 सीटी ले लूँगी और बढ़िया सब्ज़ी, इतनी शानदार सब्ज़ी लगती है। और अगर आप क्या बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं आप ही मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये ना इसकी रेसिपीज बहुत कम देखी है, पता नहीं आप लोगों की मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे मेरे मायके में नहीं मिलती बिल्कुल भी, और ससुराल में मैं आई थी तो मैंने पहली बार ये सब्ज़ी खाई थी, तब मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, फिर मैंने अपने तरीके से बनाना स्टार्ट किया तो इतनी अच्छी लगती है सब्ज़ी, अब तो मुझे ये मेरी फेवरेट है, मतलब बच्चे भी खाते हैं सब्ज़ी को, ऐसा नहीं कि भाई बच्चे पसंद नहीं करते, कई सब्ज़ियाँ ऐसी होती है ना बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन स्पेशली ये सब्ज़ी ऐसी है ना इसको सब खाते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं। तो देखिए अब आ गए हैं हमारे मंदिर में, दिखाती मैंने पूजा करी थी थोड़ी देर पहले, तो अभी दीपक भी जला हुआ है, और ये देखिए हमारे राम दरबार में लेकर के आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी जब इसका पूजन किया था, और ये देखिए कितनी प्यारी है हमारी ये मंदिर में विराजमान है, और ये हमारी माता रानी, और हमारी माता रानी और हमारे राम जी और सारे भगवान आप पर बहुत बहुत कृपा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। और ये देखिए गणेश जी विराजमान है यहाँ पर, और मैं अब आ गई हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के जहाँ पर वो विराजमान है, उनको भोग लगाने के लिए, और उनकी जो पहले से है प्लेट उसको फ्रूट्स की जो शाम को दिए थे, तो मैं उधर चली गई थी मेरे को टाइम, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, स्माइल इनकी हमेशा स्माइल ऐसी ही रहती है, कभी भी देखना बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है जैसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं और अपना वीडियो बना रहे हैं, हमेशा ऊपर देखते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे। और अब उनकी थाली में लेकर के जा रही हूँ उनके पास में, और उनको पापड़ सेक रही हूँ, गर्मा गर्म थाली तो उनकी तैयार है पहले से ही, और जब भी भगवान जी को भोग लगाएं यानी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, क्योंकि वो छोटे हैं तो उनकी जो खाना है उनको पहले चेक कर लें बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, जैसे पराठा तो मैंने पहले ही बना दिया था, और सब्जी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ये आप चेक कर लें पहले, और ये मैं भोग लगा रही हूँ, और आज 11 से तो थाली में तिल की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, तो ये है रेवड़ी और ये खिलाएंगे हम उनको पापड़। और मैंने इनको भोग लगा दिया है, अब हो गया रात को सोने का टाइम, तो ठंड तो है बहुत ज़्यादा, तो उनको तो मैंने इस तरह से उनको स्लीपिंग बैग में सुलाया हुआ ताकि उनको ठंड ना लगे, भाई छोटे हैं तो उनका थोड़ा सा अलग से रक्षण ज़रूरी है, उनका देखभाल ज़रूरी है। और ये बोल रहे हैं राधे राधे, आप सभी भक्तों को राधे राधे और जय श्री कृष्ण और शुभ रात्रि।
और आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे कान्हा जी का, मेरे लड्डू गोपाल जी का, तो हमारे लड्डू गोपाल जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो जल्दी से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।